वेलकम एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक ये है जो रिसेंट न्यूज़ में काफ़ी चर्चे में रहा है आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपने होल सेल इन्फ्लेशन प्राइसेस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा तो क्या होता है ये होल सेल इन्फ्लेशन इसका हमारे इकोनॉमी में क्या इफ़ेक्ट होता है यह हमारे लिए अच्छा है या बुरा है और सी के साथ इसका कंपेरिज़न किस तरीके से होता है तो हम लोग बेसिकली ये सब पॉइंट्स इस वीडियो में आज कवर करेंगे ये पॉइंट्स आपके कोई भी एग्जामिनेशन हो जनरल नॉलेज हो या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ऑल अबाउट होल इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन आवर इकोनॉमी तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है इन्फ्लेशन इज द डिक्लाइन ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ अ गिवेन करेंसी ओवर टाइम तो अपनी खरीदने की जो कैपेसिटी है वो जब कम हो जाती है तो उसे हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं जैसे कि पहले अगर दस रुपये में एक लीटर केरोसिन आता था बट अभी वही दस रुपये में ये थी बात दो हज़ार पाँच में लेट सपोज़ तो अभी वही दस रुपये में अगर पॉइंट फाइव लीटर ही केरोसिन आता है राइट ट्वेंटी ट्वेंटी में तो हमारी परचेसिंग पावर कम हो चुकी है राइट हम लोग उतना ही पैसा दे के कम चीज़ ख़रीद पा रहे हैं इसे कहते हैं इन्फ्लेशन अ क्वान्टिटेटिव एस्टिमेट ऑफ द रेट एट विच द डिक्लाइन इन परचेसिंग पावर अकर्स कैन बी रिफ्लेक्टेड इन द इनक्रीज ऑफ एन एवरेज प्राइस लेवल तो बेसिकली प्राइस बढ़ गया और राइट ऑफ बास्केट ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफन एक्सप्रेस एज परसेंटेज मीन्स दैट अ यूनिट ऑफ करेंसी इफेक्टिवली बाइज लेस देन इट डेड इन प्रायर पीरियड्स तो बेसिकली ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है इसी चीज़ को ये दोनों डेफिनेशन यहाँ पे दर्शा रही है सो so, इसके पहले कि मैं आपको डब्ल्यू पी और सी के बारे में कुछ बताऊँ जो प्रीवियस कुछ न्यूज़ आ रही थी हेडलाइंस आ रही थी पेपर्स में तो अक्टूबर के हिसाब से ये है कि डब्ल्यू पी आई एट मंथ्स हाई पे चालू है और राइट एट वन पॉइंट फोर एट परसेंट और राइट यह अक्टूबर मंथ का डेटा है सो so, यह फेबरी के बाद में सबसे ज़्यादा है क्योंकि तो फेबर में यही WPI पी आई टू पॉइंट टू सिक्स परसेंट था और ये चीज़ क्यों हुई क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों की प्राइसेस बढ़ने लगी यही डब्ल्यू पी आई जो सितंबर में था वो वन पॉइंट थ्री टू परसेंट पर था और लास्ट ईयर के अक्टूबर में अगर टू थाउजेंड नाइनटीन के अक्टूबर में हम लोग देखते हैं तो वही ज़ीरो परसेंट था ठीक है तो ये WPI पी आई इन्फ्लेशन क्या होता है और इसके इम्पॉर्टेंस क्या है इसके इफेक्ट्स क्या है हम लोग अभी सब चीज़ें एक साथ देखेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यू पी आई मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइसेज ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क बाय होल सेल बिजनेस टू अदर बिजनेसेस ठीक है सो ये क्या मेजर करता है चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क तो बल्क में जो चीज़ें बेची जाती है होल सेल बिजनेसिस से दूसरे बिजनेसिस को ये उसे मेजर करता है टू पुट इट सिंपली

इट इज़ कैलकुलेटेड बाई टेकिंग प्राइस चेंज फॉर ईच आइटम इन प्री डिटर्मिन बास्ट ऑफ गुड्स एंड एवरेजिंग दैम चेंजेस इन सी पी आई आर यूज टू एसेस प्राइस चेंजेस एसोसिएटेड विद द कॉस्ट ऑफ़ लिविंग सो बेसिक जो डेली नेसेसिटी होती है ट्रांसपोर्टेशन फूड वगैरह इसकी प्राइसेस कंपेयर करके सी पी आई मेजर किया जाता है सी पी आई इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट फ्रीकुंटली यूज स्टेटिस्टिक्स फॉर आइडेंटिफाइंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन काफ़ी पॉपुलर है मोस्टली सी पी आई यूज होता है और राइट इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन मेजर करने में सो so, अभी हम लोग कुछ डिफ्रेंसेस देखेंगे डब्लू पी और सी में राइट डब्लू पी कौन रिलीज करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर और राइट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ठीक है ये क्या मेजर करता है ओनली गुड्स ठीक है जो गुड्स बल्क में बिजनेसिस टू अदर बिजनेस सेल होता है उसका ये मेजर करता है कितने आइटम्स का बड़े सिक्स नाइन्टी सेवन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और इसका बेस ईयर क्या है टू थाउजेंड इलेवन टू ट्वेल्व सिमिलरली सी पी आई के बारे में अगर मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो सी पी आई कहाँ से रिलीज होता है सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस राइट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सो ये ध्यान में रखिए कहाँ से रिलीज होता है इसका डेटा सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस ठीक है और ये क्या कवर करता है अभी यहाँ पे ये डिफ्रेंसिएशन पॉइंट है गुड्स एंड सर्विसेज ये सर्विसेज भी कवर करता है राइट अभी इसमें क्या क्या कवर होता है कितने आइटम्स कवर होते हैं फोर हंड्रेड एंड फोर्टी एट रूरल बास्केट एंड फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी अर्बन बास्केट ठीक है और इसका बेस ईयर है 2012 अभी हम लोग देखेंगे एट मेजर ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो ये सी का है ऑल राइट सी का प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन है सो हाउसिंग एपरल ट्रांसपोर्टेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन अदर गुड सर्विसेज रिक्रिएशन मेडिकल केयर फूड्स एंड बेवरेजेस ठीक है सो इसमें फूड एंड बेवरेजेस पान टंबाको इंटॉक्सिकेन्ट्स क्लोदिंग फुटवेयर हाउसिंग फ्यूल लाइट और एक मिसलेनियस कैटेगरी भी आ जाता है ठीक है तो सब कुछ ये सी के अंडर आ जाता है जो है गुड्स एंड सर्विसेज कंपेर्ड टू ये डब्ल्यू पी आई का काफ़ी स्मॉल कैटेगराइजेशन होता है और काफ़ी स्पेसिफिक होता है और इन दोनों में इस तरीके के डिफरेंस होते हैं तो डब्ल्यू पी आई जो मेजर होता है वो चेंजेस इन थ्री ब्रॉड सेक्टर्स के ऊपर होता है ठीक है प्राइमरी आर्टिकल्स फुएल पावर एंड मैनुफैक्चर प्रोडक्ट मैनुफैक्चर प्रोडक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैटेगराइजेशन है डब्लू के लिए ठीक है तो इस तीन ब्रॉड सेक्टर्स पे आपका डब्ल्यू कैलकुलेट होता है तो बिफोर वी मूव ऑन टू द इफेक्ट्स ऑफ सी पी आई एंड डब्ल्यू पी ऑनर्स मतलब हम लोग जिसके बारे में देखने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसका हमारे इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होगा ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है कोविड एरा में सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है सो so बेसिकली जो डब्ल्यू पी आई है वो एट मंथ हाई पे चला गया है विच इज़ वन पॉइंट फोर एट परसेंट इन ऑक्टोबर डब्लू पी आई लेवल वन पॉइंट फोर एट परसेंट पर चला गया है और ये क्यों हुआ है क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ गई है अगर हम वही सी पी आई को देखें सो इट इज़ एट ऑल टाइम हाई काफ़ी ऊपर चालू है सो so अक्टूबर के डेटा के हिसाब से वो सेवन पॉइंट सिक्स सिक्स वन परसेंट चालू है दिस इज फॉर अक्टूबर और ये इतना ऊपर क्यों चालू है क्योंकि फूड प्राइसेस काफ़ी ऊपर चालू है फूड प्राइसेस एक काफ़ी बड़ा कंपोनेंट है सी कवर करने के लिए तो ये जो सी होता है या रिटेल इन्फ्लेशन होता है ये स्ट्रेट अवे कंज्यूमर्स को अफेक्ट करता है राइट right? जो डब्ल्यू होता है वो ऑब्वियसली मतलब हमें तो ये अगर बहुत ज़्यादा लेवल में बढ़ जाता है तो इसके वजह से सीपीआई भी चेंज होगा और हमें भी अफेक्ट करेगा बट ये इतने लेवल पे हमें नहीं अफेक्ट करता है ठीक है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो डिटरमाइन करता है आपकी इंक्रीमेंट इन द सैलरी क्यों क्योंकि जब डब्ल्यू बढ़ता है तब बढ़ता है क्योंकि प्रोडक्ट जो मैनुफैक्चर हो रही है उसकी प्राइस बढ़ रही है राइट right? उसकी प्राइस बढ़ रही है इसका मतलब आपकी सैलरी भी बढ़ेगी बेसिकली होता क्या है लेट सपोज एक सिचुएशन है कि अब बिकॉज हम लोग सब कहीं कही ना कहीं तो काम करते हैं राइट तो हम लोग जहाँ पे भी काम करते हैं अगर हमारा सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं है और यहाँ पे प्राइस बढ़ती जा रही है और हमारा सैलरी उतना ही है तो यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगा बिकॉज हम लोग तो वो कॉपअप नहीं कर पाएंगे राइट तो ये सब चीज़ें ना बैलेंस में होनी चाहिए राइट तो आपका अगर कंजम्पन कम है तो डिमांड लेस रहेगा राइट फिर होल सेल इन्फ्लेशन भी कम रहेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स प्राइस बढ़ा नहीं सकते हैं प्रोडक्ट्स की जो क्या फ़ोर्स करता है मैन्युफैक्चरर्स को उनके प्राइस उनके प्रोडक्ट कम प्राइस में बेचने के लिए राइट right? अगर मैन्युफैक्चरर्स अपना प्रोडक्ट कम प्राइस में बेचेंगे तो सैलरी भी नहीं बढ़ेगा सो so, अगर डिमांड कम है या कंजम्पशन कम है और राइट कंजम्पशन भी लिख देता हूँ यहाँ पर तो प्राइस भी कम रहेगी प्रोडक्ट की प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो भी लेस रिपकर्शन इफेक्ट है राइट right? अगर ये कम है तो मैनुफैक्चरर्स प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे देर विल अर्न लेस राइट इफ मैनुफेक्चरर्स अर्न लेस तो देर विल भी नो इंक्रीमेंट इन योर सैलरी ठीक है आपका सैलरी बढ़ने से रहा और इसके वजह से जॉब्स या सैलरी कट डाउन भी होता है और राइट right? सो so, ये काफ़ी साइकिलिकल है सो so, ये च ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट होती है थोड़ा सा इन्फ्लेशन होना चाहिए अगर इन्फ्लेशन एकदम ही खत्म हो जाता है तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं हम लोग ये चीज़ पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे डिटेल्ड हम लोग इकोनॉमिक्स का सब डेफिनेशन और सब एग्जाम्पल्स कवर कर लेंगे जिससे कि आपको कुछ भी समझ में दिक्कत नहीं होगी तो बेसिकली कंक्लूजन क्या है कि अगर डब्ल्यू कम होता है तो आपका इनकम भी कम होता है और अगर सी पी आई या रिटेल इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो आपके एक्सपेंसेस जो है आप कंज्यूमर हो क्योंकि आपके एक्सपेंसेस हैं वो भी हाई होती है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लेटेस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो आज हमने जो ये डब्ल्यू पी आई वर्सेज सी पी आई कवर किया है इसमें से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा ये काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है आपके बैंकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी एग्जामिनेशन में इसका नॉलेज होना और न पर्सनल लेवल भी अच्छी चीज़ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हम लोग ऐसे और कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जिससे कि आप अपडेटेड रहो और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो थैंक यू